कि अब याचना नहीं रन होगा, अब याचना नहीं रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू ये तो वैसा होगा, पहले डाल भी जैसा होगा। सर जैसे बात कर रहे हमने गणपति उत्सव तो आदमी को थी नहीं कहाँ त्यौहार लगे महाराष्ट्र के, जैसे हमने ओणम के बात कर रहे कहाँ त्यौहार लगे केरल के, हमने जैसे पोंगल के बात कर रहे तो हमने पता चलो कि तमिलनाडु के झारखंडी अकबकाल चलते यहाँ गया से आए लोग यहाँ राजा बन गए और हमने पत्थर लेके बाजार बाजार बेच रहा है। आराम से सुनी ले सुनी ले अकबको नहीं दादा सब हाँ हाँ मैं सौंप दी गए मैनेज करी ले बोलते हैं सब नहीं ले आज नवाडी स्टेडियम में जितना धन जुटा रहा और जे जे हमार संगे बोड़ा लगा हमार से जे बोड़ा लगा सभी के हम एक संगे जोड़हात कर एक एक करके कर ले अंधार हो तो घर जा नहीं पारवा एक संगे सोभिन के जोड़हात कर जे जे बड़ो लगा और जे जे हमार से छोटे लगा सोभिन के एक संगे आशीष दे हो तो निके बात सुन रहा तो आज ठीक है रे जोहार हम सुना है तो नहीं की क्या चाह ले तो नहीं ना हृदय में एक बकाया झाबी बेरा डूबे टाइम है ऐसा नहीं करा फुल झारखंड के पूरा स्थिति तोहनी के कंधा में आभास हो कि नहीं झारखंड जे लुटाई रहा है झारखंड जे बेचाई रहा है एक जिम्मा तोहनी कंधा में हो और तोहनी यदि अकबकेबे तो कैसे बताए सही कहते तो नहीं ठीक है के सुन ले दादा लाल टोपी वाला सुने है ना मैं पसीना दिए लगलो तो हमें डाउट हो आराम से सुन बाबू साहब हाँ आराम से तो आज यहाँ की खातिर आयला जानकारी तो है ना आज जबर टुसू के कार्यक्रम में शामिल है आयल हाँ अच्छा कभी नोटिस कर ला कभी ध्यान दल है कि एकर से पहलू टुसू व्यवहार है एकर से पहलू करम व्यवहार है एकर से पहलू सोहराई व्यवहार है लेकिन आज जैसे लोग सड़क में आए गला तो एकर से पहले तो नहीं व्यवहार आखिर की कारण है आखिर कारण की लगे कि हमने इतना लोग एक साथ सड़क में आए के टुसू तो कभी सोहराए तो कभी करम बनाए रही है आखिर कारण की है तो सीधा सा कारण है कि आज हमने जितना जन खड़ा है अपन आप के जिंदा करे ले खड़ा है एक तरह से हमने मोरिए के लाल है आज जी हमने इतना जन एक साथ जमा भय जो है एगो कोनो भी पर्व के मनाए खातिर चाहे कोनो भी पर्व रहो तो ओकर सीधा सा मतलब हटे हो कि जे 22 साल बीतले झारखंड में कहीं ना कहीं हमने झारखंड एक लोग झारखंड में धीरे धीरे खत्म हो रही तो सही खातिर हमने अपन आप के जिंदा करे ले ही आयला अपन संस्कृति के अपन भाषा के कहीं ना कहीं हमने जिंदा करे ले अपना जाने लाइला अब तो नहीं कहा कैसे कि भाई हम आज कैसे जिंदा भेली अगर से पहले कैसे मोरल हलिए तो आराम से मैं बुझाई दे एक साल पहले चले जो एक साल पहले हमने बिहा मान हमार बहन के बिहा हमार पैसा कर डीजे हमने पैसा कर पंडाल और बहन एक बिहाय भाई खुद गाना में वॉल्यूम लगा के सुनाए रहा और गोटे गांव के अपन बहन के कमर के साइज बताए रहा लो कितना शर्म के बात कितना बेहुदा कितना बेकार लोग हमने भाई गला ले माने है कि नहीं माने है कितना खत्म इंसान हमने भाई गला ले कि हमार बहन एक बिहा और गाना में तुम्हें वॉल्यूम लगा के बढ़ाई दिलाई अखिया कपरवा नाकवा पेटवा बाजे हाल की नहीं तो सही खाते हमें कहलियो आज जी हमने बाहर आए हैं अपन आपके जिंदा करे आए हैं एक तरह से हमने मोरी गए हमें और मोरले हैं तोर बहन यहाँ तोर बहन के बिहार लगो आ रहे बहन के लई के अगर पेटवा का पर्व गाना बजाय रहा है तो मोरिए गए ना खत्म में भाई गला ना तो ये जो लोग देखे पावे हैं इटा सिर्फ मेला देखे न आये हैं अपन आपके जिंदा करे आए हैं अपन आपके बचा ले आये हैं अपन बाप दादा संस्कृति के खोजे आये हैं और यदि आज ना खोज चले आज यदि सड़क में ना चले तो 20 बच्चर बाद हमने खत्म भेज दिया।
तो आप तो हनी कहबे हैं, आप तो हनी कहबे हैं कि भाई ठीक है, जबकि हमें बार बार कहलियो हमार जो संस्कृति लगाए ओकर गीत रह ओकर संगीत रह ओकर नृत्य रह ओकर बिना कोना न कोना मतलब है। हमने गीत की लग लाए नाट बांधो पाठ बांधो नुनक दियो हाथ बांधो सुना लगी ना तोनी कहे गीत लगाई हाट बांधो पाठ बांधो नुनक दियो हाथ बांधो चूल पाके सोन नियार नुनो बाड़े बांस नियार बुढ़ा बाबा के नमो नमो। कितना सुंदर हमार बाप ददक नियम, कितना सुंदर हमार पुरखा कर संस्कृति कि हमें एगो आल गिदर तक सीखा है कि नुनो तोर हाथ बांध लियो नुनो तोर गोड़ बांध लियो ककरो हाथ नहीं मारबे ककरो लात नहीं मारबे और आशीर्वाद दे लिए कि चूल पाके सोन लिए यानी बुढ़ाई के मोर है 150 पार करी के तो कितना सुंदर हमार गीत और अखन हमें बजाय रहिए पेटवा कपरवा छतिया कौन लोग हमनी कितना बेहुदा कितना बेकार कितना घिनौना लोग हमनी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे बबरी का नहीं ना बजता है वचन है ना सुना है नवानी कभी कभी बाजा है तो सह खातिर आज हमें हटे कह लाइल हो कि आज हमने इतना जान जुटल है अपन आपके जिंदा करे जुटल है। आज इटा नहीं सोचिया कि हमने मेला देखे आ लिए आज इटा नहीं सोचिया कि हमने खुशी मनाए ले लिए हमने अपन आपके जिंदा करे आ लिए हमने अपन आपके खोजे आ लिए कि आखिर हमने लाग लिए कि और यदि नहीं खोज बा तो देखिए रहा ला आज इटा तुम्हें सांडवा ना आया हो तो कहीं ना कहीं यदि हमने आज अपन आपके नाय खोज दल यदि आज हमने अपन आपके नाय जान दल तो आने वाले 20 बच्चर में हमें लिखी के कही दे मोटा मोटी 10% झारखंडी खत्म हो जाते। आज जाके देखी ले चंद्रपुरा देख दुगदा देख बेरमो देख फुसरो देख ढोड़ी देख घुटिया टाड़ देख अमलो देख चपरी देख मकोली देख ककर लगल जगह गिला अनूप सिंह के लगल की ओकर बप्पा के लगल जगह के हमने के लगल ना आज कहाँ है हमने के लोग बताओ बताओ कहाँ है हमने के लोग बताए दे तो सह खातिर यदि आज ना जागला तो आने वाला 20 बच्चर में नवाडी और जे बाचल है सिगला हराए जीतो सही खातिर अपन के लिए बचाए के रखा और ये बचाए ले हमें हमनी खातिर ना कहो ये बचाए ले कहो जन गिला गिला के कोरा लेके आए ला सही गिला खातिर बचाए के रखी दहा नहीं तो की दबा अखनी के अखनी के दबा की सही टाइटा लड़ाई लगाए और सही टाइटा आज आंदोलन लगाए और सही टाइटा जन जागरण लगाए कि अपन भाषा अपन संस्कृति अपन परंपरा के बचाना लड़ाई टी एक स्टार्टिंग तनी तो नेमो पानी ले ले ठीक भाई जी बुझाइयो नेमो पानी अपना दाई दी ठीक भाई जी बुरा नहीं मानिए अपने किधर लगा एक स्टार्टिंग फैला कि बाहरी भाषा हमें टूसुक बारे बात करबो विस्तार से लेकिन ओकर से पहले तनी जनाय ले कि हमनी संस्कृति की लगे एक स्टार्टिंग फैला कि ना चल तो धनबादी बोकारो बाहरी भाषा हटे लग लेना कि हमें हमर ही भाई तोर भाषा ना चलतो जब हमरो किधर तमिलनाडु में है महाराष्ट्र में है गुजरात में है जब हमर भाषा तोर ही ना है हमर कुड़माली संथाली नागपुरी तोर ही ना है तो कि तोर हमें ठीका ले लो कि ठीका ले लो कि कोई हमरा एक उदाहरण बताओ तो कि हमने के लोग बिहार में और यूपी में और बंगाल में जाके मुखिया बना लाए या विधायक बन गया कितना भोला भोला झारखंड के लोग तो अब हटे सवाल हलाय कि यदि भाषा हमनी भाषा में कहावत है कि भाषा हरा ले दिशा हराए सुना ला ना मैं मोसे गिला कि यदि भाषा टी हराए जातो तो दिशा टी हराए जातो अब कैसे से बुझाए दे यो अच्छा इन्हें शादी ब्याह तो है ना हेबे करा है नूनी सब के ऊपर सेट वेलो की सीमा पर सेट वेलो की ना हेलो तो शादी भी है चौक पूरे टाइम ककरा चौक पूरा हाथ नहीं बताओ सल्लो को हमें बुझाए खातिर बात की कहलियो चौक क्या पूरे को माय मोसी गिला फफे पूरे चल ठीक है अब मानी के चल जदी तो आजो कालो किधर तक कमी की नूनो फफो के डाकी के लया माने हाथ गिला के चंगर गिला के तो एकनी फफो को आंटी को मोसी को आंटी को
काकी टी को आंटी को मैंने माए टीके छोड़े के बाकी जितना मायक जोड़ी पड़ी सबके आंटी को तो ये जदि जातो ये तो आंटी बुझो ये धरी के काकी टीके ले आम तो क्योंकि काकी टीके चौक पूरा देभाग देभाग नहीं देभाग एक घोड़े के कभी ये आंटी टी नहीं चलतो ये आंटी टी नहीं चलतो ये घोड़ी के मामी के ले आनलो कि मामी टीके चौक पूरा देभाग तो, यानी तोरा लास्ट अगर बैसाई के बुझाए के कह तो कि बाबू जंड तोर बापे के बहन लगो जंड के कहीं फूफो के हैं फुआ के हैं नाना के हैं पिसी के हैं तकरा डाकी के लई यानी के मुझे पड़ला रे कि एक तनी हमने फूफो टी के आंटी कह दला लिए एक तनी ज्यादा तो कुछ नहीं कर लिए खाली फूफो के आंटी कह दला लिए तो एक तनी हमर भाषा टी हराय लले दिशा टी हराय गेल लले सेटा लगो भाषा और गीत की है ना कि फूफो बा भालो करी देवी चौकटा पूरी आव ते नौतन समझी वैसा ते चकवा चढ़ी तो सेटा हमने संस्कृति लगे सेटा भाषा कर महत्व तो लगे यदि भाषा नहीं रहले मानुष एक दिशा हराए जाए ओकर बाद हमने भाषा बहुत सुंदर भाषा है ऐसा नहीं कि हमने भाषा हमने कभी भी हमने भाषा के देखिया हमने भाषा में अर्थ हो हमने भाषा में मीनिंग हो जैसे अभी तोनी मोटा मोटी अभी जैसे मोटा मोटी तोनी होटल जीवा भूख तो लागले हतो तो जाए के होटल वाला टा की कहा कि भैया चावल दीजिए गरम दीजिए ठंडा दीजिए चाहे जैसे दीजिए चावल दीजिए लेकिन घरे जाके हमने चावल लगे कई प्रकार से कहा पहले हमने चार कहा फिर पानी दे तखन औधान कहा धारे है तखन भात कहा और जूठा अलब संखड़ी कहा तो हमने भाषा कितना सुंदर है एक एक जिनिस जगह हमने घुराई फिराई के कहा कि नहीं बुराई फिरक तो है कि नहीं तो सह खातिर हमने के अपन संस्कृति के जाने हैं तो यदि आज हमने अपन संस्कृति के नहीं जानबा तो हनी तनी इस साइड आ जाए इधर जगह भाई गला है क्योंकि तनी आवाज चू उधर नहीं जाए तो माई मौसी गिला दीदी गिला तनी इधर तनी आ जा एक से कोई झगड़ा नहीं ना है आवाज ना इधर तनी जगह है क्योंकि होने तनी आवाज चू नहीं जाए तो सही हमने भाषा कर महत्व है हमने भाषा में अर्थ है हमने की एक को भाषा कर बनाना है तो सही खातिर आज लड़ाई की लग लगे भाषा अपन साहित्य के लेके अच्छा हमने की संस्कृति कितना सुंदर है हमारे को उदाहरण दे हो थोड़ी ऐसा करना माय मौसी के लिए अपन अपन हाथ ला चेक कराना तोनी हाथ के लिए मठिया हो अरे तोनी के नायक है यो तोनी मठिया पिलन नहीं लगो मठिया हो एनुनी तोहनी के नायकी कली माय मौसी दीदी जकर बिहा भाई गला है आहो कनी हाथ गिला चेक करा तो आए दीदी माय मौसी गिला मठिया हो ना मठिया है ना अब बताओ तनी हमरा कि भाई तोर पति देव में तोरा हिया सोना दलो दलो ना हिया सोना दलो तोहनी को मिले लो की नहीं तोहनी दियक लगो हिया सोना मिल लो तोर जाके हिया सोना मिल लो नाक ता छिड़ी के सोना दे दलो हिया देलो ना नाक ता नोची के हिया सोना दे दलो हिया सोना हिया दलो कान ते सोना दलो हिया रूपा दलो तो भाई हिया लोहाक मठियाडी हाथ चाहे कहा दलो अभी कार्यकार हमरा पसंद भी ना है आखिर की कारण लगे क्योंकि हम पहली गलियो हमार संस्कृति बहुत सुंदर हो हमार पुरखा यदि कुछ काम कर रहा हो तो ओकर कोनो न कोनो माने हो तोरा हिया सोना दलो हिया दलो हिया दलो हिया दलो हिया रूपा दलो तो भाई हिया लोहा कहा दलो घटी गेल लेकिन घटी गेल कि नहीं ना कोनो कारण है तो की कारण है सुन ले कखन मिलो हो जखन बिहा भाई के आए जहा मना ससुर घर जखन एकदम ढुके लगा तखन मिलो हालांकि अभी मने थोड़ा सा नया जमाना में दो चार को दादा सब और दीदी सब शादी से पहले एक दूसरे से कभी इन्होंने भेंट करा तो कुछ भी कर ले तो चॉकलेटे दे सका नहीं लोहा मठिया नहीं दे सका नहीं पहले इटा बाप दादा का नियम लगो तोहनियों को कह दे कुछ भी दे सका नहीं बढ़िया बढ़िया ड्रेस लेके दे सका नहीं लेकिन लोहाक मठिया नहीं दे सका इटा हमार संस्कृति लगो तो की माने लगो एक ना जैसे हम अगर दूध कहो तो सादा दूध माने सादा खून माने लाल तो लोहा माने सबसे भारी सामान लोहा माने दुनिया के सबसे भारी सामान लोहा तो लोहा जखन तोर हाथे दे लो तखन तोरा को संदेश भी दे लो कि आज के बाद तोरा हमें अपन घर ले लियो देख हमने एक रूढ़ीवादी व्यवस्था लगो एक बार सीधा जान ले हमने एक व्यवस्था में बेटी कर बिहार अल बाद बापे घर अधिकार नहीं रहे जमीन में जायदाद में अधिकार नहीं रहते हमने कर रूढ़ीवादी कस्टमरी लॉ चलो
इटा में बेटी कर व्यवस्था में की हो कि बिहार वाला तोर अधिकार ना हो। तो सैन्य जखन तुम बिहार भर के आई गए तो तोर पति में तोरा एगो संदेश दिल ससुर घर के लोग कि आज के बाद तुम हमार परिवार के सदस्य बन गए। तो माय बाप काका जटा सब के छाड़ी के आई गए और तोरा हमें आज की खातिर आना पता हो पाउडर लिपस्टिक काजर करे ना आना लियो तोरा हमें तोर हाथ में लोहा दिलियो लोहा मने सबसे भारी सामान मने आज के बाद हमर घर एक भार तोर भ गए। आज के बाद हमर घर एक भार तोर भ गए और तहनी लइए लला यदि एगो दुगो दादी हो तो देखी रखल तो चाभी गिला दादी रखल लखी ना यानी लोहा टिक संदेश लगो कि आज के बाद तुम्हें तो ससुर घर जाए तोरा भार लिया ना लाए। तो कितना सुंदर नियम हमने आए ना आए कि नहीं तो से की कर ला हमने पंच महा गिला के देखी के जे लोग गिला बाहर से आए लाए और ओकर कल्चर गिला के हमने देखी के सीखी के अपन भार ले आना सहिता से की भेलो संस्कृति के नुकसान भेलो आर्थिक नुकसान भेलो आर्थिक यदि पैसा के भी नुकसान भेलो अभी मानी के 6 मास से 13 पर्व तो मतलब की लगाए मुड़ी गुड़ी जुड़ी एकर से बाहर कुछ ना है। मुड़ी मने बुझिए गला जुड़ी मने खीर टा और गुड़ी मने पिठा टा यानी देख हमारे पर्व टाइम खर्चा भी ना होगो हमने जितना अपन निजे पर्व लगाए सही पर्व के लिए खर्चा ना हो मुड़ी गुड़ी जुड़ी आट लो ना पर्व हमने सिराई गलो आराम से खुशी खुशी खेले और बढ़िया से पार भई गलो। लेकिन अभी देखा हमने यदि कोनो नूतन पर्व सीखल हम जंट हमने ना लगो तने ध्यान से देखिए उठे दोमे खर्चा हो आओ कि नहीं ध्यान से देखिए कितना खर्चा हो अब इटा से नुकसान की भेलो न गिदर पुत्र के पढ़ाई खलो सही पैसा हमने अलाय बोलाई पुराई दिला और खास कर नूतन भौजी की लग तो कहिए ना देखने के जदी तोनिक परिवार में इसने करो की तो सुनी ले पहले बात थी नूतन भौजी की लासा में रिक्वेस्ट करबो कहे कि हमें देख लिए एखने के जदि तो 12 महीना 24 को लुगा दबी न की निके एखने नूतन नूतन 24 को पर्व करी दे पैसा नुकसान मिलो ऊपर से की हा हमने एक पर्व गिला देखिया जितिया कर ला चाहे कर्म कर ला तो कोनो टाइम नीम चित की भात कैला पार भई गेलो नेग पुराई गेलो कोनो टाइम बासी भात कैला नेग सिराई गेलो और ई पर्व गिला करल बाद जैसे ही उपवास कर लो भौजी सांझे काजू किसमिस बादाम चाहे देते देते रहो काजू किसमिस बादाम पैसा खर्चा हो बुझे पा रहा बात गिला कितना नुकसान हो बाहरी जिनिस तो लेला ना है तो कितना नुकसान हो सेटा देखी ले। तो सही खातिर हमें हटाई निवेदन करबो कि अबरी जितना हेराई लागले हेराई गेले अब जितना बाचल है कम से कम अपन निजे संस्कृति टा बचाए के रखे बचाए के रखवाना परस्ता तक मेला जीवे की नरे जीवे ऐसा कर हमने बुझा चढ़ना है पर मैं ठीक सही है तो सारे खाते बातें बात कर लेंगे निकला भाई तखन आराम से हमें जाना है तो नहीं बुरा ना है मानबो काकी मोटा मोटी आज बछर दिन भाई गले बछर दिन में लगभग हमें 450-400 सभा कर लिया प्रत्येक सभा 10 को यानी 4000 लोग तो नहीं दिए पाए ले हम बुरा ना है मानबो। अच्छा एक बात बताओ तो नहीं हम लोग खियाला हम लोग खिया लेना रे अरे तोर बिहार कहा है कभी दूध के दांतों ना झड़ लेते हैं भाई लो कुछ भी नहीं नो हम लोग खिया लग माइनस ही लगे दादा सब धोनी दादू सब धोनी हम लोग खिया लग ध्यान दबा की बात क्या बहुत बड़ा बात कही हो धोनी हम लोग खाए ला इन्होंने धोनी एक ना एक खाएगे हम लोग खाए ला दादी खाए ला जेठी मौसी गिला खाइला हमलो खाइला ठीक ये हमलो जे नियम ता लगो ना ये नियम ता पूरा ब्रह्मांड में केवल हमने के काट नहीं करे पड़ते ये संसार तो जहाँ तक चेरे चिंगिनी पोका माकड़ जहाँ तक है कुकुर बिलायर मैना जहाँ तक है तहाँ तक ये नियम ता है। तो भाई की लगे हम लोग माने की लगे तो सबसे पहले तो नहीं याद करा अपन छोटा घरी जितना जान यहाँ आए ला सभी अपन छोटा घरी तो नहीं याद करा
कि तोहनी के माये पहली बार खाना की नियर खियाल लो याद भाई रहलो छोटा घरी माये तोहनी के खाना की नियर खियाल लो नुनी याद आओ हाथ से कि चम्मच से हाथ से भी नहीं खियाल तो चम्मच से भी नहीं खियाल तो कैसन खियाल तो हमें बताए देंगे चूंकि यदि चम्मच से देते हो तो चम्मच से तो गर्म भर जीते आप कमी आल है कोराई है तोर जीव ठीक से ना है तोर दांत नहीं भेला हो तो अभी नून खाई लेना है सीखल है तखन माया की करतो वो भात का चाहे दूध भात खीर भात जे लगो चाहे रोटी लगो चाहे जे लगो बिस्कुट लगो सबसे पहले माया मोटे ले तो अपन मोटे की ले तो माया न तोर दांत ना हो तोहनी दांत ना भेला हो यानी माया खाना टा मुहे ले तो और सबसे पहले अपन दांत का से काटी काटी छोटो छोटो कर दो क्योंकि तोर दांत ना भेला हो ध्यान दिए माये सबसे पहले काटी काटी छोटो छोटो कर तो इतना छोटे छोटे टुकड़ा में मारतो अगर बात यदि गरम हो यदि भात का या जंडा तोरा खाए ले दे हो यदि गरम लागो हो तो माया की कर तो अपन जीवटी से मोटा कर चारों धार घुरा तो अपन थोक काकार गिला से मिला तो भले तनी घिनघिन लागो हो लेकिन इटा नियम लागो माया जीवटी से चारों धार खाना टा के घुरा तो कहे पता हो न खाना टा ठंडा भई तो तोर दांत ना हो तो माया पहले एक बार चबाई लेला हो चबाई के छोटा छोटा करी देला हो अबरी देखे माया तोरा अपन जीवटी से तोर मुंह टें करी के खिया तो याद आइलो तोहनी क्या पीछे बाटे तोहनी माया ना खिया लो की तोहनी के क्या परवरिश करा लाए ऐसने खिया लो तो पहले मुंह टें भोरी के फिर माया मने छोटो छोटो करी के ओकरा अपन थूक गिला से लार गिला से सानी के ठंडा करी के तोरा जीवटी से पार करी के खियाय लतो आप देखिया ये नियम टी केवल मानो से करे नहीं लगे ये नियम टी यदि कोई चेहरा चिनगिन नहीं है तो जाके देखिया कोई यदि चेहरा चिनगिन नहीं है ओकरा हम देखिया जे चेहरा टी अपन छुआ टके जे खिया है ना तो इसने अपन मोटा से मोटा ही भरी के खिया है यानी इटा संसार के नियम लागो इन नियम टाके के काट ना कर सकल हो इटा ब्रह्मांड के नियम लागो जितना जीव जंतु हो सभी ने माये पहला भोजन ऐसने मोटा से तो भाई हिया ये अमलोटा की संदेश है जिसने मठिया टिकर संदेश लाए ये अमलोटा को एगो संदेश है न माये ओकरा बेटा के छोटो घर ही खियाल है माये गिदर टाके छोटो घर ही खियाल है अब माय के जखन गिदर बड़ा भय गेला है जखन वो बराती जाए तखन तसने अमलो खियाए के जाए कहे अकर से की फायदा है ने हटे एगो वचन है कि माय जिसने छोटा घर तो हमार परवरिश करल है हमें खाए नहीं पड़ा लेते अपन मुंह से जुठाए के माने अपन दांत गिला से चबाए के छोटो करी करी के खियाए ना तो आज हमें तोरा तसने खियाए के जाए अमलो यानी तो हमार आल घर जैसन सेवा कर रहा है हमार नाक कान साफ हमार मल मूत्र साफ कर रहा है कैसने तो बुढ़ाई जब यार बीमार भाई जी में हमें सेवा कर ये हम लोग टाके हटाए नियम लगे कि माए तो याद कर जैसन तो छोटा घर ही हमार सेवा कर रहा है कैसने हमें तोर सेवा करबो जखन तो बुढ़ाई जाबे या फिर तो बीमार भाई जी तो नहीं करा कहा नहीं करा ऐसा धीरे धीरे छेड़ दा तो कितना सुंदर हमने संस्कृति है अब बात करबे तनी टुसु पर्व के बारे आप तनी बात करबे टुसु पर्व के बारे में ठीक है मामा टुसु पर्व खातिर आई लहा तो आखिर टुसु पर्व के माने की लगा ई पर्व का माना हतिन के लिए और ई पर्व का माना ले आने वाला पीढ़ी के लाके की रास्ता मिलते तो एक बात सीधा सा है इतना इतना दुकानदार आती वो दुकानदार के पूछिए कि तोरा खुशी कब मिलो जितना यहाँ नवा डेट है दुकानदार है अखनी के जाए कि इतने पूछिया कि दादा तोरा खुशी कखन मिलो वो कहतो ना जखन हमें दो में पैसा कमाई लिए बेटा ही कहतो कि हमें जखन दो में पैसा कमाई लिए तखन हमरा खुशी मिले पढ़े वाला किधर के खुशी कखन न परीक्षा पास करी जाए तो कैसे एगो किसान के खुशी कखन दो एगो चाषा के खुशी कखन ए चासा घरक सब एगो चासा के खुशी का खान को दादू सब न जखन वो धान के काटी के मड़ी के मसी के घर के भीतर लुकाय ले तो जखन एगो चासा है धान के मड़ी के मसी के अघन संक्रांति दिन अपन डीवी के माध्यम से
जब खेतक लास्ट बालीटा बाँचल है सहीटा के घर ढोकर है तो देखिए हमने दो गो चीज के लक्की कहिया एगो बेटी के एगो धान के दो जिनिस के हमने बड़ी मान करी है एगो बेटी के एगो धान के तो सही यार इटा मान्यता है कि धान टके किसान टाइम पाल पोसल बड़ो कर ले यानी वो हिसाब से किसान खातिर धान के दिले बेटी समान किसान टा खातिर धान जे भेलै उटा बेटी समान भेलै तो भाई बेटी जखन बापे घर अतै तो कि चुपे चुपे अतै खुशी मनतै कि नै नाच गान भेतै कि नै गीत संगीत भेतै कि नै पुआ पकवान भेतै कि नै तो सहीटा जखन खेते जखन रहै धान गिला लास्टे ओकरा धानी माथाय लादी के हमें तखन डीनी और हर धान गिला बाइल गिला जखन बहिन गिला धारे आन के स्थापना कराए टुसु मणि के नाम से कि एगो धान यानी बहिन स्वरूप और किसान खातिर बेटी स्वरूप वो घर आयल है तो घर आयल है तो किसान खातिर खुशी के समय लगाए वो पूरा एक महीना अपन घरे अपना रखा है और खातिर गीत गावा है नया नया पकवान बना है और लास्ट फिर कहाल गया है कि बेटी को विदाई भी दिए है तो ना विदाई दिए है ना तो नहीं अपन बेटी सबके विदाई दे भाग ना व्यस्त से दिहाग लेकिन ऐसा इतना ऐसा ले भाग तो बेटी का तो बाप ऐसा ना कर विदाई दे भाग तो इसने अब धान के जाना है टुसु मणि के और विदाई तो रहता है तो सही खातिर देखिए कभी भी जखन कोई बेटी के विदाई भेवाए तो अगर संगीत सहेली गिला ओकरा मुड़ा धार छोड़ा जाते जब गाने का मुड़ा तो रहे कहाँ छोड़े ले जाते गीत गाते दो चार को कांदबो करते छोड़े ले जाते तो इसने देखिया टुसु मणि के यह पालकी के लगला देखे पावा ने गला पालकी लगो इगला के चोड़ल कहल जाए हमने इजे तोनी आना लाए गला सजाई के इगला चोड़ल लगो यानी एक तरह से पालकी ककर खातिर न जैसन पहले बेटी पालकी विदाई भयो तो ये बेटी के विदाई करे खातिर गला पालकी लगो गला चोड़ल लगो तो सही खातिर पहले बुझे ले कि टुसु माने की हमने पहले छोटा घर ही सोचा लेकिन टुसु माने यहाँ गला लगो इगला टुसु नहीं लगो इगला ओकर चोड़ल लगो ओकर पालकी लगो तो टुसु के नौ एक मुठा धान ता जनता बीचे बीचे रख में और ओकरा अपनी विदाई दे ली तो भाई एगो सवाल है तो ना कि टुसु मणि कर विदाई पानी तही कहे खेत खरियान है पहाड़ है टाय है तो ओकर विदाई पानी तही कहे एगो सवाल होना चाहिए कि विदाई पानी में कहे भाई टुसु मणि के कहे न बेटी की विदाई कहाँ भेवाए ससुर घर ना क्योंकि नियम लगाए बेटी अपन बच्चा के जन्म कहाँ देतो ससुर घर है तबे न बंशो बढ़ते तो सही नियार टुसु मणि जे धान लगाए ओकर ससुर घर पानी भेले एगो गीतो है ना पानी हेले पानी खेले पानी तोर के हो मने के भीतर भाभी देखी पानी ससुर घर आ है ना सुनल हा तो अब हटो भाई कि ससुर घर पानी टे कैसे टुसु मणि कर पानी टे ससुर घर कैसे ठीक है तो मान लिए कि हाँ चल भाई टुसु मणि के ससुर घर पानी फैले लेकिन कैसे कहे पानी टा या पर ससुर घर कहे न जैसन कभी भी देखिया ससुर घर माने कि जहाँ वो बच्चा माने अपन वंश के बढ़े तो धान में वंश दिखा देता है जब ओकर में हर रास छोटा मोटा पौधा निकल तो यानी ओकर बच्चा उठा कह सकल है ओकर में एगो नया अंकुर धरतो तो घरे रख ले अंकुर धरते माटी रख ले अंकुर धरते बालू रख ले धरते जब तक पानी नहीं है तो यानी पानी में जखम धान के मैसा भी ये पानी तो धान संगे सटतो छुआ तो तबे ओकर में अंकुर बाहर आतो सही खातिर पानी ओकर ससुर घर लागो बुझे पा रहा है ए दादा सब बुझे पा रहा है ना माए मौसी काके जेठी तोनी ए नुनी साहब बुझे पा रहा है टुसु मणि ससुर घर कहाँ पानी कहे न पानी जखम धान टी के छुतल तभी ओकर में हरा छोटा मोटा पौधा टी बाहर देतो तो सही खातिर यदि क्यों कोनो कहानी कहतो राजा की बेटी रानी की बेटी इगला कुछ नहीं लगो टुसु मणि यानी किसान के बेटी अबे कौन किसान और धान रूपी बेटी मानुष रूपी बेटी नहीं धान रूपी चूंकि धान हमारे घर आलो सबसे खुशी के समय लगो तो सेट लगो तोर टुसु पर अब कहे ईटा हिया कहले की फायदा है केले सुना ती घर जा की गजब हाल हमने घर ना जीवे की तो की ले लाले सुनी ले
तो सैटा आप कहबे है कि बाबू आज अगर तो टुसुक बात कर धाने की बात कर रहे हैं तो ईटा से इगला के की फायदा मिलता है ना, ईटा से की फायदा मिलते पता हो? आज देखी ले, आज नूतन नूतन भाई बहन के लाइलो देखबे कर रही हिले, आज नूतन नूतन भाई बहन के हमने कहा थोन ओखने धीरे धीरे खेती के प्रति धान के प्रति तनी अखनी कर जे ममता टा है घटी गेला है। सही खातिर हमने धान के खेत गेला खिल रही गेलो, अब जब धान के खेत गेला खिल रही गेलो तो परदेसी मौका देखलो कहलो बेची दे, कहलो बेची दे, तो बेची दे ली खा दे भटक रहा है। तो सही खातिर एगो किसान चाचा घर गिदर के बुझा है तो कि हमने परब गिला धान से रिलेटेड हो और धान हमने खेत से उगा हा तो जे भी भय जीता है वो माटी टकर लाज रखी जन माटी टाइम हमने धान उगा हा बुझे पार्ला। तो सैटा लगे टुसु परब, टुसु परब के माने और ये बात गिला खास कर जितना बुढ़ा बुढ़ी गिला हा तोहनी नया पीढ़ी के बताए क्या जो न तो तोहनी गैल बात भुलाए जी तो सिराए जी तो सब खत्म है जी तो। और एखनी ऐसे भी देखबे कर रही ये नया जो पीढ़ी हो एखनी दुनिया मोबाइल तक हो एक दिन मोबाइलिया छीन के देखिए बुझे मर जीव तो एखनी के बताओ कि हमनिक दुनिया खेत में है, हमनिक दुनिया खरिहान में है, हमार देता भूता गाछक तोरे है, कोना नदी नाला पहाड़े है, एखनी के बताओ और नहीं बताए में तो कहलियो मोबाइल की छीन के देखिए खास कर इंस्टा वाली गिला से धन्यवाद दे है। ऐसे धन्यवाद सोबिन के देखो क्या इंस्टा वाली गिला करो रोल है बड़ी तोनियो सपोर्ट कर ला आज टुसु के आयोजन करे में तोनी को धन्यवाद दे। चला चला ले मना ना है लिमिट से चलिया फॉलो कर दिया फॉलो बैक दे दो। तो सही खातिर नया पीढ़ी के बतवा कि धान हमार खातिर की लगे, ये खेत के हमार खातिर की लगे, ये बारिश हारी के लिए हमार खातिर की लगे, इगला यदि बचाए के नहीं रखबे तो धीरे धीरे हमने खत्म हो जेबे। आज देखा ना चंद्रपुरा दुगदा फुसरा बागमारा कतरास झरिया सिंदरी पाथरदी जमा डबा जितना हमने कोलियरी साइड सब खत्म भाई गए, सब जमीन के लिए हमने लगल आज सब बेचाई गए सब सिराई गए। तो सही खतरा आज जागे है तो आज गिदर गिला के बतवे है तो कि हमार संस्कृति के माने की लगे यदि अखनी के बताए नहीं पार भी यदि अखनी के बुझाए नहीं पार भी तो 20 बच्चर बाद सब सिराए जाते। बचाई भाना बचाई भा बचाई के रखबाना और साथ साथ हमें हटे कह एक्चुअली भलाई की ना कि दो चार को लोके है के कह दल हमने घरे बहु बेटी के लाके बहन के लाके कि तोरा पुण्य करे कहो तो सात को हिमे उपास कर 12 बजे खो 1 बजे खो 2 बजे खो। अरे भाई तोरा पुण्य करना हो ना तो हमें तोरा पुण्य के सबसे बड़ा रास्ता बताए दे। आज इटा को बहुत बड़ा करना ना हो जे हमने बहु बेटी के पहला बात जान ले हमने किसान घर के लगे बासी तो बासी खाए के खेत जाए तो तुम 2 बजे तक उपास रहबे सहबे तो भाई तो ना अपन नुकसान कर ले तो ना अपन बाप दादा खेती के नुकसान कर ले तबे ना खेत गिला बेचा लो। तो तोरा सबसे पहले जाने है तो कि तो किसान घर एक धीरा पुता लगे तो बासी मुहे खाए के बिना नहाल सिनाल खाए के तोरा एक बार खेते चक्कर लगाए के आवे तोर खातिर नियम गिला ना आया हो बाकी जदि तोरा पुण्य कमाए का हमें बताई दे क्या कि पूरा ब्रह्मांड में पूरा दुनिया में जितना पुण्य जितना धर्म एगो किसान एक छुवाई कर है उतना क्यों नहीं कर बहुत कोई मंदिर जहाए क्यों मस्जिद जहाए क्यों चर्च जहाए क्यों गिरजाघर जहाए क्यों गुरुद्वारा जहाए आरो जगह जहाए सभी ने अपन पुण्य कमाए खातिर। लेकिन एक बात याद रखिया सबसे तो पुण्य अगर क्यों कमा है तो किसान एक छुवाटा है खेत का से कमा है। अब कैसे से बताए दो अभी ताली नहीं मार दिया बुझे ले पहले धान रोपा लाला ए दादा साहब रपल हले अच्छा लाल भाई लोग कुचाई गले की अच्छा बुझ गले फुल 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 बुझ गले धान रपल हा खेते सभी धान रपले हा। एक बार जाए के याद करे तनी तो कि जखन पहली बार धान टा पाकल हलाय तो के खाय लवे सेरे में चिड़िया में धान टा जखन पहली बार पाकलो तो देखिया खेते गार गेले मूसा के भूर होय गेला हो यानी पहले मूसाए खा लो। हाँ गो तो मूसाई खाली खालाय ना दुआ भी दलाय कि अरे किसान जैसने रहिए तर बाल बुतरो सुखिया रहतो एकर से ना पुण्य कहीं है कि अभी रुक जा अभी आरो है इटा तो धान तक खड़ा हले तखन मूसिया खेले अब काट लिए ना वो
ए दादा काट लिए ना, तो काट लिए तो कुछ बाल झड़ गए, झरल ना तो झरल तखन क्या खेल चेरा चिनगिन्नी सुगा मैना फेरवा कौवा एहो तो दुआ दिलो। ए किसान जैसने रहिए सुखे रहिए, तोर घर गुस्ती तोर घर परिवार भरले भरले रहते, मुसवे दिलो खेत में काटले तो गिरलो तो मैना चेरा चिनगिनी दिलो। अभियो खत्म नहीं भेल, अब काट के मुड़ुए आन के खरिहाने आन के डिंगा दिले, डिंगल है ना जैसी डिंगा भा जाए के देखिया तोर जाके चीटी पिपरी आई के अपन हुआ शुरू कर दिला हो। चीटी पिपरी यानी अभी ककरा गया है, चीटी पिपरी खोटा के ओहो तो आशीर्वाद दिलो। किसान जैसने रहिए सुखे रहिए। अभियो खत्म ना भेल हो, माड़ा घुरे ले माड़ा घुरे ले ना, एक दिगे धान एक दिगे पवार, पवार के खेलो क्या खेलो पवार, गाय गुरु कड़ा महेश ओहो तो दुआ दिलो। किसान सुखे रहिए। अभी भी खत्म ना भेलो, रुक जा अब की कर ले न भात और धान है खातिर ना भात खातिर ना, तो भात जखन खातिर गेले तो सुखुआ में लेके पोछर ले। ए सुखुआ ने बुझा ना बुझा ना, सुखुआ में पोछर ला तो जखन सुखुआ में पोछर ला तो एक दिगे बेस चार एक दिगे खोदी का। अब बताओ तो खोदिया ककरा दिलक, मुर्गिया के छेंगना के दिलक ना, ओहो तो दुआ दिलो। किसान सुखे अभियो खत्म ना भेलो, अभी तो सुपा से पछरल ही पछरल बाद डेगचिया में चढ़ाई भी हड़िया में चढ़ाई भी भतवा दबक गेलो, दबकल बाद ढारले ढारल बाद एक दिगे मार एक दिगे भात, मड़वा ककरा गेल छगरिया के पठरुआ के खसिया के, और कहलो किसान सुखे रहो हमार पेट भर लेते। अभी भी खत्म ना भेलो, अब फतवा तो ढार ले ले बांट ले खेबे की नहीं, तो कभी कभी जूठा भय जाए ना, तो जूठा भय गलो तो याद कर की करे हैं, आधे कुलिक द्वार भारा के लो 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 कुकरा के चले ना कुकरा के। अब बताओ इतना पुण्य दुनिया में क्यों कम है, तो हमें बता दे तो हमें क्या छोड़ दिल, हमें पुण्य हम कह पुण्य कमाओ लेकिन अपन खेती बाड़ी छोड़ के भूखे प्यासे रह के अपन मने बाप दादा खेती का खील रह के 2 बजे नहाए खाए के हमारे हिसाब से किसान खातिर सही नहीं है। बाकी तोर अपन मान्यता हो तोरा अपन पुण्य कमाए को तो कमाओ जिसने कमाए बे, ककरो नीम के पेड़ से शांति मिला है ककरो बरगद ककरो पीपल का पेड़ से, लेकिन किसान घर के लगे खेतवा से बहुत शांति है, बहुत लोग पेट भर ले बात मुझे भर ला न कोनो गलत कह लिया की कोनो गलत कह लिया की वो दादा साहब दादू साहब कोनो गलत नहीं ना, तो इतना सुंदर है वो कृषि के संस्कृति है, अपन कृषि के संस्कृति के बचाए के रखिया ठीक है, क्योंकि अंधार के समय है और शायद 2-4 दीदी सब आये ओखनियो अपन कार्यक्रम कुछ रखा फोन ओखनियो के सुनी के जी हाँ हाँ जात जात आ रहा छोटा सा संस्कृति को उदाहरण दे दिए मैं दरवाज बात आज नहीं करवाए संस्कृति बात लगे उठा एक दिन हमें स्पेशल हानुनी तोहनी से हमें हटे निवेदन करबो, देख हमें पूरा साल भर जाना झारखंड हमें घूर रही हो लगभग 18 जिला लगभग 122-123 प्रखंड और 1000 गांव, ओकर में हमें पहलियो यदि झारखंड के लोग के सबसे ज्यादा नुकसान भेल हो तो है दरुआ में है, जिधर बुतरू पढ़ा ना हो अट्ठी के उलट रहा हो, ऊपर से देख ले ऊपर से की हो कभी भी देखिया जब दरुआ ना तोरा कहना कहियो जो दरवन पी हो दोन ओकर बीमारी सीधा लीवर के भेवो हो और लीवर के जो बीमारी हो ओकर खर्चा हो 10 लाख, घर में 10% नखो घर में 10% नखो और साथ ही तो अमिताभ बच्चन नहीं लगे कि लीवर के चेंज भ जेतो, एक एक अमिताभ बच्चन के लीवर चेंज भेलो पता हो ना, अब पता नहीं आज भी ककरो भेलो तो हमरा जानकारी नखो कुली में ना, तो अमिताभ बच्चन नहीं लगा सही खातिर हमें जड़हात करबो कि तनी दरुआ ना पिया, हमने बहुत हराइल पिए देखा ना पढ़े नहीं पार लो ओकरा 2-4 पैसा खर्चा करके नौकरी तक नहीं जाए पार लो, आज आधे टास पेट रह लो कहीं आधे दारू पी के उलट रह लो, तो खातिर विनती करबो ना पिया। हाँ प्रणाम प्रणाम
परसनाथ 15 तारीख के आवे है परसनाथ। और अपन अपन टूसू लेके आइया, अपन अपन टूसू लेके आइया। तोहनी के ना रखने के गए टूसू तोहनी कहाँ पे तोहनी तोहनी सिर्फ ऐसे आइया, तोहनी ऐसे आइया, सिर्फ बिहान बिहान तो ना मिलते हैं पता है तोहनी आइया, हमें प्रणाम कर आइया, टूसू लेके आइया, हथिया पत्तल जाए के। हाँ हाँ नहीं ना गर्मो से अभी राति सुतभी तो आराम से ठीक भाई जी, तो अभी हम मुझे है कोई दिक्कत ना है राति ठीक भाई जी। तो मैं हम अगला बार से कमेटी से आग्रह करवे कोई भी कार्यक्रम रहता है तो हमें तो जाना है झारखंड के लोग दो चार क्वेश्चन मिल लेता है तो अखनी को रिजर्व कोटा राख देते हैं बैठे कोई दिक्कत ना है, हमें जाना है अखनी अखनी के रिजर्व एगो राख जमीन ताकि बाकी सबके डिस्टर्ब ना करते, हमें तोहनी कह दिलियो हमें जाना है आसानी से छूटता है ना धीरे धीरे छूटे अखनी के रिजर्व एगो राख जमीन जितना दादा सब हो। लास्ट कहो ठीक है अब जाए जाए हमें हड्डे कह चाहो कि अपन भाषा अपन संस्कृति अपन पर्व भाषा अगला बचाए के रखिया क्योंकि हमने के अगर संस्कृति बचता है तो हमने वो बचब और साथ साथ जाए जाए तारा को छोटा सा सांस्कृतिक के उदाहरण दे के जीवो। अच्छा हिन्दे बराती जखन आवो है तो एगो बढ़िया एगो डिबा रहा है चाहे मैंने कुछ रहा है ओकर में एगो माच रहा है, माच रहा है एगो माच रहे या फिर तोर जाए के मूसा के माटी रहे या फिर तोर जाए के छागल कर भिड़ारी रहे है ना इटा हिन्दे नियम रहा है आई धर नियम का आप थोड़ा सा सोचेंगे देखा हाँ बोला कुल कुल थोड़ा सा सोचेंगे देखा यदि आजो कालू अगर कोई नौतन गिदर के शादी ब्याह में है और यदि ओकरा तोनी बताए भाग कि तोर शादी के संगे संगे तोर बराती के संगे संगे मूसा के माटी लेके आओ हो छागर के भिड़ारी लेके आओ हो और तोर जगह को माछ लेके आओ तो गिदर सब राय जीतो। लेकिन कितना सुंदर ओकर नियम है माछ माने की लगे माच के माने लगा जब कन्या एक मैं माच के देखा है यानी वो चर्चा कर रहा है कि भाई निरन महीने शादी देव है गाढ़ा नाला सुखी गला है गभा सुखी गला है कुआ सुखी गला है पावो यदि माच पावल है यानी गांव टाइप कोनो ना कोना कोना है पानी के स्रोत है जाए भी बेटिया प्यासे ना मरते तो हमनी की संस्कृति बहुत सुंदर है अपन संस्कृति तो मूसा के माटी माने सभी जाना है ना जहाँ धान के चारे के बेटा कहीं मूसा के माटी तो हमनी की संस्कृति बहुत सुंदर रहा बचाए के रखिया ठीक है चूंकि यार एक दो कलाकार हथिन अपने को समय देवे विशेष समय हाँ बाकी ठीक है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है उठो नौजवानों इनकलाब आया है झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है जब जब सजी है थाल क्रांति की जब जब सजी है थाल क्रांति की माओ ने खुद बेटों की बोलियां दी है क्रांति ने एक सर मांगा है हमने भर भर के झोलियां दी बलिदान मांगा है देभागना हमरा तो डाउट तोहनिये पे हो लड़े ले जीवे तोहनी रास्ते में उलट नहीं ना रहा तैयार है बाबा ठीक है ना कि अब याचना नहीं रन होगा अब याचना नहीं रन होगा जीवन जाए या मरण होगा हेमंत बाबू ये जब ऐसा होगा पहले डाल भी जैसा होगा भाषा से भाषा टकराएगा विशेष कुछ न बच जाएगा जीवित जनम हम होंगे मरने की लाचारी होगी इस सर्वनाश की हेमंत दादा और साथ ही साथ अटे काबो यदि झारखंड सरकार हमनी संस्कृति के नए बचेता है यदि हमनी खातिर नीति नियम नए बनाता है यदि रांची के विधानसभा में नियम नए बनता है तो झुमरा के बाहर न बनता है यदि रांची के विधानसभा में सरकार निर्णय नहीं लेता है तो निर्णय झुमरा के पहाड़ में रहता है निर्णय परसनाथ के पहाड़ में रहता है कोई दिक्कत नहीं ना
पहले आओ 15 तारीख के, अगर बात देखवाए सुनवाए अगर बात डिसाइड करवाए कि सरकार परास्त्रा में बहन सकल है कि ना। आज यदि सरकार परास्त्रा और झुमरा में बहन के लिए तो अच्छा अच्छा बाप बाप कर लो ठीक है। जितना जान हमारे से बड़ो लगा, जितना जान हमारे से बड़ो लगा, हाँ 15 के पारसनाथ और कायल बिहार हथिया पत्थर। और साथ ही अभी सावित्री दी अखनी आयल है प्रसिद्ध गायक, तोनी सुन ले अब गाना 12 मास से 13 पर्व 32 से खतियान रे। हाँ तो दीदी कर गाना सुन के जी हाँ, आज समय ज्यादा नहीं दिए पार्बो का यार जान आयल है। जितना जान हमारे से बड़ो लगा, जितना जान हमारे से बड़ो लगा, सोभिन के एक के संगे जोड़ हाथ कर रही हो। जितना हमारे से बड़ो लगा, सोभिन के एक संगे जोड़ हाथ कर रही हो और चेंगर गिला के आशीर्वाद दे हो। हेलो, आप सांस्कृतिक थोड़ा स्टेज खाली कर दे। आप सावित्री कर्मकार और बिट्टू विश्वकर्मा का कार्यक्रम है, ये दोनों माइक का आवाज दे दें प्लीज। बिट्टू पारस नाटक जो गाना गाए हैं बिट्टू विश्वकर्मा और सावित्री कर्मकार, उनका पारस नाटक मेला घुमा देवे, उनका कार्यक्रम है। थोड़ा स्टेज खाली कर दे प्लीज, स्टेज खाली कर दे, स्टेज खाली कर दे सर, स्टेज खाली कर दे प्लीज, स्टेज खाली कर दे,